वेल फ्रेंड्स, काउंटर स्ट्राइक गेम्स खेलते हुए या बाकी भी इस तरह की गेम्स जिसमें एक दूसरे से फाइट करते हैं, वो जगह बिल्कुल भी पुरसकून नहीं हो सकती. हम गेमिंग जोन्स को कम से कम कभी ये नहीं कह सकते कि ये पुरसकून गेमिंग जोन है, क्योंकि वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा होता है. लेकिन गेमिंग जोन्स की लिए जगह में ऐसी तलाश की जाती है जो कि अंडरग्राउंड हो या फिर ऐसी जगहों में हो जहाँ पे आम शख्सियात जो होते हैं या बाहर की जो शख्सियात होती हैं, आसपास के जो लोग होते हैं, उनसे डिस्टर्ब ना हो. इसी तरह से आज मैं ऐसी गेमिंग जोन पर मतलब आया हूँ इसके अंदर जहाँ पे अंडरग्राउंड है और ये लोग सारे बैठे हुए हैं, सारे प्लेयर्स अंदर खेल भी रहे हैं. अंडरग्राउंड तौर पर अगर वो जितना भी शोर करते हैं तो वो शोर जो है आगे बाहर नहीं जाता है, लोगों को सुनाई नहीं देता. और साथ में आप देख रहे हैं कि आसपास चटाइयाँ वगैरह भी लगी हैं. इनका क्या मकसद है? जब ऑफ दी एयर इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस जगह को ठंडा रखने के लिए, नमी से बचाने के लिए ये चटाइयाँ भी यहाँ पर लगाई गई हैं. बाय द वे, फिलहाल कुछ प्लेयर्स जिनके कहा जाता है कि वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर प्लेयर्स हैं और फेमस इस वजह से हैं क्योंकि वो ज़्यादातर एक्सपर्ट्स यहाँ पे जो खेलते रहते हैं, क्वेटा के ज़्यादा मशहूर प्लेयर्स, उनमें से ये सब यहाँ पे इस गेम खेल रहे हैं और यकीनन शायद नेटवर्किंग करके ही खेल रहे हैं. रेड कलर की टोपी लगा के क्या खेल रहे हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है? मेरा नाम जाफर अली. जाफर भाई क्या खेल रहे हो? सीएस? जी हाँ, मैं सीएस. ये दो बंदे लगे हो? बस बाकी लड़के थे वो घर चले गए. जी मुझे बताओ कि आप लोग हमेशा इसी तरह का मुकाबला करते हो कि बस एक एक बंदा भी ये टारगेट रख लेते हो? मैंने इतनी मरतबा आपको खेल कर, मतलब ये जो है इसमें 15 राउंड होते हैं ना, पांच बंदे इस तरफ देखते हैं और पांच बंदे उस तरफ. टीम्स के अलावा भी कंपटीशन किस लेवल पे आप लोग करते हो? ये करते हो कि मैंने आपको इतने टाइम में इतनी मरतबा आपको हिट करना है या मारना है? जी हाँ, इसमें जो है 1.45 जो है राउंड टाइम होता है इस पे, तो हम उसी हिसाब से कहते हैं. 1.45 राउंड टाइम क्या मतलब? मतलब राउंड टाइम होता है इस पे कि इस टाइम तक, मतलब या मैं उसे मार दूँ या वो मुझे मार दे. 1.45 एक मिनट 45 सेकंड की बात कर? जी हाँ, एक मिनट 45 सेकंड में या तो आपने मुझे मारना है या मैंने आपको मारना है. आप सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं या आपने मारा है लोगों? मतलब मारता भी हूँ, मारा भी जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि यहाँ पे देखा ना जरा फ्रेंड्स, इसमें ये काउंटर स्ट्राइक की पूरी डिटेल्स दिखाई जाती हैं जिसमें बताया जाता है कि आप कितनी मरतबा मरे हैं, कितनी मरतबा आपको मारा गया है और कितनी मरतबा आपने उनको मारा है. अच्छा, आपको फिलहाल आप खेल रहे हैं कितनी मरतबा मरे हैं? मैं जो हूँ 8 दफ़ा 13 दफ़ा मारा है मैंने और 20 दफ़ा मारा हूँ. जी तो मरे ही ज़्यादा हैं. जी हाँ. अच्छा, मुझे सबसे मज़ेदार चीज़ बताओ, काउंटर स्ट्राइक में या फिर ऑनलाइन गेमिंग जोन में, ऑनलाइन गेमिंग जितनी भी होती है उसमें सबसे मज़ेदार जिसमें ज़्यादा मज़ा आता हो क्या है? मतलब यही कि आपस में खेलते हैं दोस्त बैठे हुए, टाइम पास कर. जी हाँ, कोई प्रोफेशनलिज्म इसमें नहीं आता. तब इस वक्त यहाँ पे जो है, मतलब यहाँ पे जो है इसका कोई वो नहीं है ना, कोई ट्रेंड नहीं है ऑनलाइन प्रोफेशनल बनाए. जी हाँ, प्रोफेशनल बनाने के लिए. जी हाँ. चलो भाई, और कुछ हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं काउंटर स्ट्राइक के बारे में, क्योंकि यही गेम ज़्यादा आप लोग पसंद कर रहे हैं क्वेटा में? तो मैंने खुद इतना खेला नहीं है ना कि इसके बारे में आपको ज़्यादा बता. आपने खेला नहीं, उसके बावजूद भी आप मार बड़े अच्छे थे. जी हाँ, 13 मरतबा 21 मरतबा मर के 13 मरतबा मारा है. बस ये तो गेम है, यहाँ मारना है यहाँ मरना. चलो बहुत शुक्रिया दोस्त, थैंक यू सो मच. हेलो फ्रेंड्स, ये सी एस सी यहाँ पे खेल रहे हैं, सी एस का मुकाबला कर रहे हैं. सी एस का सबसे ज़्यादा जो मज़ा है वो इस चीज़ में कि वो लोग आपस में भी खेल कर एक दूसरे को मार सकते हैं. इवन वो उनके अलग से यूनिक से नेम्स होते हैं जो एक दूसरे पे रखे होते हैं. गेमिंग्स के अपने अलग से नेम होते हैं जहाँ पे उनके निक नेम तो नहीं होते, अलबत्त वो गेम्स में वो नेम यूज़ किया करते हैं मुख्तलिफ, जैसे फाइटर्स हो गए, स्नैक फाइटर्स हो गए, और आई डोंट नो क्या क्या नाम उन्होंने रखे होते हैं, मुख्तलिफ नाम उनके होते हैं, लेकिन वो इसी पे एक दूसरे को पहचानते भी हैं. आप इवन दो अगर आप इफ़ यू आर अ स्ट्रेंजर यू कैन नो हिम बाय दैट स्पेसिफिक नेम, और उसी नाम की वजह से आप उस शख्स को पहचानते भी हैं और इनकी दोस्तियाँ भी यहाँ पे हो जाती हैं. Na 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 na
और फ्रेंड्स थोड़ा सा मुझे टाइम मिल गया, मुझे मार दिया इन बेचारों ने, बेचारे तो इसलिए क्योंकि कई मरतबा मैंने इनको मारा और उसके बाद आखिरकार इन्होंने मुझे मार दिया। बाय द वे आज का शो करने में बड़ा मज़ा आया, मैं खुद भी काफ़ी अर्से बाद काउंटर स्ट्राइक गेम यहाँ पर मैंने खेली हुई, लेकिन बड़ा मज़ा भी आया। और साथ में फ्रेंड्स आज के शो में जितना भी हम कुछ दिखा सकते हैं स्पेशली गेमिंग जोन्स के बारे में, गेमिंग जोन की जितनी इन्फॉर्मेशन दे सकते थे, पहले तो कुछ अर्सा पहले गेमिंग जोन स्टार्ट हो गई, उसके बाद ये सिलसिला चलता गया और आज जो है इसे लोग प्रोफेशनलिज्म पर भी इसको ला रहे हैं। यकीन बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि प्लेयर्स हैं, इनके अपने प्रोफेशनल से बाकायदे तौर पर जो कि गेमिंग खेलते रहते हैं, ऑनलाइन गेमिंग करते रहते हैं और साथ में बड़े लेवल पे इंटरनेशनल सतह पर भी वो गेम खेलते रहते हैं, नेशनल लेवल पर भी खेलते रहते हैं और इवन इंटरनेशनल सतह पर तो ये हो गया है कि उसमें बहुत सारे प्लेयर्स को बाकायदा कंपनीज प्रमोट करती हैं, सपोर्ट करती हैं और उन्हें हायर करती हैं, उनको बाकायदा सैलरीज दी जाती हैं ताकि वो उनके कंपनी का ब्रांड नेम भी उनके साथ मुंसलिक रहे और साथ में उनको आगे प्रमोट कर दिया जाता है। और यह कि सिलसिला चलता गया, पाकिस्तान में यह ट्रेंड फिलहाल इतना इंटरनेशनली लेवल पर तो नहीं आया लेकिन नेशनल लेवल पर मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स वगैरह ये लोग खेलते रहते हैं और क्वेटा में भी ये चीज़ बड़ी तेज़ी से फैल रही है। और आज का मेरा शो आई होप सो कि आपने पसंद किया होगा, इस हवाले से तो आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं हमारे ऑफिशियल फैन पेज एरिया 081 जो कि फेसबुक पर है, उस पर आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं इसके इस आज के शो के हवाले से भी और हमारे आने वाले जितने भी शोज हैं इसके हवाले से भी अपने कमेंट्स आप दे सकते हैं। नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह अगेन आपसे जो है वजीर की मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर शामिल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मां सलामत।